शिक्षा हमारे जिंदगी के स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई, परंतु आज यही मौत का कारण बनती जा रही है। ये बात मैं आज शिक्षा नगरी कोटा से आए 27वें आंकड़े के आधार पर कह रहा हूँ कि वहाँ पर आज एक और स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र पाणिकर जी, मेंटल हेल्थ काउंसलर, जो आज हमें इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर, ये जो बढ़ते स्टूडेंट के सुसाइड रेट हैं, आपको आप इनको किस तरह से देखते हैं? जो सुसाइड के बढ़ते केस वगैरह हैं, वास्तव में ये बहुत चिंता वाली बात है। और एक तरह से हम जितने बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने देखा शिक्षा पद्धति भी एक तरह से सवाल या निशान छोड़ दिए कि आजकल बच्चे सुसाइड करने उसके पीछे कारण क्या है। तो वास्तव में बच्चों पर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, घर से बहुत ज़्यादा दूर होना और कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई का लगातार दबाव, इसके पीछे प्रमुख कारणों के अंदर आता है। शिक्षा पद्धति के बारे में बात करें तो वास्तव में शिक्षा पद्धति में केवल कंटेंट बुक पढ़ना और केवल एग्ज़ाम देना ये शामिल नहीं होकर बहुआयामी शिक्षा होनी चाहिए। कहीं भी शिक्षा पद्धति के अंदर ही कहीं कमी देखी जा रही है कि बच्चा जो उसकी स्कूल में पढ़ाई की उम्र होती है कम से कम 12 तक तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए। तो पहले तो ऐसा होता था कि शुरुआत में 10वीं के बाद वो बच्चा कोचिंग सेंटर में जाने लग गया, परंतु तो छोटी उम्र में 6-7 से ही बच्चों को सीधे ही कोचिंग में भेजने लग जाता है। वो एक तरह से ठीक नहीं है। स्कूल में होता है तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ भी होती हैं। बच्चा स्पोर्ट्स में भी भाग लेता है, उन्हें कहीं कॉम्पिटिशन होते हैं, एक रेगुलर प्रार्थना सभा होती है। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विद्यालय की जो उम्र है, तो विद्यालय शिक्षा के अंदर बच्चों को पूरी तरह से विद्यालय में ही रहना चाहिए और उसके बाद 12th के बाद एक बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए, किस तरह की कॉम्पिटिशन है, किस तरह के कैरियर के लिए वो अनुकूल है। उसके बाद जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, माता पिता हैं, उसके बाद वो निर्णय करेंगे बच्चे को किस चीज़ में भेजा जाना चाहिए। सर, आप अब मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, तो आपको कब लगा कि फिलहाल बच्चों को केमिस्ट्री से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की या सजग होने की जरूरत है? 10-12 साल पहले की बात है, मेरे पास एक टीचर का फ़ोन आया था 11:30 बजे, नींद में था तो मैंने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। 2-3 बार आया तो डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि गहरी नींद में था, फिर मैंने उसको फोन अटेंड किया, अनोन नंबर से फोन अटेंड किया, तो बच्चे ने बताया कि मैं छोटा से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा ऐसा भी सोचा करने के बारे में सोच लिया है। और मेरा ही पढ़ाया हुआ विद्यार्थी था, मैंने ही उसके माता पिता को सजेस्ट किया था कि इसको छोटा बेहतर एकदम से वो थोड़ा बहुत परेशान हो गया, नींद वगैरह बाकी बच्चों का उसको घंटे भर तक मैंने फोन की बात पूरी तरह से उसको आश्वस्त किया, उसको एक बार उस मोमेंट से उसको बाहर लाया कि ऐसा कदम नहीं उठाना है। तो पूरी तरह से जब मैं आश्वस्त हो गया कि अब वो ऐसा नहीं करेगा अगले दिन, फिर हम तुरंत मैं उसके माता पिता को बताया, हम टूटा गए उस बच्चे को लेकर के आए, लगातार रोजाना उस बच्चे से हमें मिला, थोड़ा सा बच्चे की भी हेल्प की हमने, फिर 3 महीने बाद वो नॉर्मल हो पाया। तो बड़ा कारण वही सामने आया कि यहाँ पर तो वो एकदम टॉप था एकेडमिक के अंदर, 12th तक अच्छा स्कोर किया उसने, और वहाँ जाने के बाद एकदम उसका परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया था। 12th तक की पढ़ाई अलग तरीके से होती है एकेडमिक की, वहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न अलग तरीके का होता है, नीट और IIT अलग तरीके की होती है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो बहुत से बच्चे उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते एकदम से, शुरुआत 2-4 महीने 5 महीने में बच्चा एक्सेस नहीं होता। तो उसने ऐसा सोचा वो जब 3 महीने नॉर्मल हुआ दोबारा वापस पूछा, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गंभीर विषय है, ऐसा काफ़ी बच्चों के मन में ऐसा आता होगा। तो फिर मैंने मेरे मित्रों से ऐसे चर्चा करना शुरू किया, जो टीचर्स हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे मैंने चर्चा शुरू किया इसके कारण लक्षण बचाव के बारे में मैंने जानकारी हासिल की। 6 साल से थोड़ा सा मैंने गंभीरता से करना शुरू किया, बच्चों से मैंने कहना शुरू किया कि ऐसी कोई दिक्कत आती तो मुझे बताओ, शेयर करो। तो फिर ऐसा अलग 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 बच्चों से काफ़ी बातें करके ना काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को सामने आए। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके पास स्टूडेंट्स के कॉल आए और आपने कई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को रेस्क्यू भी किया और आपने एक स्टूडेंट का तो सुसाइड अटेम्प्ट भी पढ़ा, तो उसे सुनकर मेरा गला भी सूख गया था और आपने पढ़ाया। तो वो स्टूडेंट में जिस
भाषा में लिखा गया था कि ऐसा नहीं कि बच्चा अनसमझ हो, जब बहुत तो एक बहुत अलग लेवल की समझदारी थी लेटर में और कोई ऐसी ज़्यादा समस्या भी नहीं दिखाई थी, परंतु एक मेंटल टफनेस की जरूरत थी वहाँ पर। क्या ये परिवार की तरफ से कुछ डिप्रेशन में या सुसाइड केस तो किसी की भी बनना होता है, बड़ी आयु के लोगों के अंदर भी देखा जाता है। एक क्षण होता है, एक मूवमेंट होता है, थोड़ी बहुत सही जो ये मानसिक स्वास्थ्य इसकी समझ नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग शारीरिक रोग वगैरह उसको बिल्कुल जागरूक रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मानसिक समस्याएँ हैं, लगातार लंबे समय तक नींद नहीं आना, चिंता के अंदर ग्रसित रहना, या तो बहुत ज़्यादा सुस्ती में चला जाना, या बहुत ज़्यादा मूल्यवान होना, उसको हमें सामान्य दिनचर्या ऐसा मान लेते हैं। जबकि यदि ये कहीं भी एक मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है, अगर कहीं छोटा मोटा ऐसा आपको स्वभाव में परिवर्तन लगता है हमारे अंदर स्वयं के अंदर या परिवार के किसी सदस्य के अंदर, तो उसको उपचार की एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, परामर्श की जरूरत पड़ती है। तो इसको हमको एक अवेयरनेस का विषय बनाना चाहिए कि इस तरह की किसी भी समस्या उसको आप छुपाएं नहीं, बताएं, अपने लोगों को बताएं, टीचर को बताएं, अपने माता पिता को बताएं। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी तो निश्चित रूप से डॉक्टर की चिकित्सक की परामर्श लेना चाहिए। और इस क्षेत्र में आप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सर, ये तनाव आने का कारण क्या जीवन शैली में कुछ बदलाव है, जैसे कि मोबाइल फोन्स और रात को देर तक पढ़ना, और कुछ बच्चों में चाय स्टार्ट करते थोड़ा सिगरेट एडिक्शन, तो मतलब मोबाइल और ये जीवन शैली खान पान का कितना फर्क है मैंने सोचा। जीवन शैली खान पान को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अपने दिनचर्या पर, ये तो बहुत प्रमुख फैक्टर ही है। खासतौर से उसका बहुत बड़ा शिकार कम उम्र के बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। देर रात तक पढ़ाई करना विद्यार्थी को धीरे धीरे आ जाता है, धीरे धीरे स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता को लेकर के भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पेरेंटिंग को लेकर के कुछ जो बेसिक सुनो नहीं छोड़े, ना बच्चे का सुबह जल्दी उठना वो निश्चित करें, रात्रि को समय पर सोना निश्चित करें, खान पान को लेकर क्या देते हैं वो उसको लेकर के जागरूक रहना चाहिए। बॉडी साइकिल जो चलती है अपनी की टाइम की तब सुनना है, जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाया गया भगवान द्वारा, तो उस चीज़ का काफ़ी प्राणी शास्त्र के हिसाब से हम लोग डायगनल है और एक लोकतर जो रात्रिचर होते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी जो पूरा बॉडी डिजाइन है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम लोग दिन के अंदर सारी गतिविधियाँ करते हैं, रात को निष्क्रिय हो जाते हैं, सो जाते हैं। वही हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क है, मस्तिष्क से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक हार्मोन है वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न को डिजाइन करता है। फ्रेंड्स के लिए बड़ी बात ये भी कि देर रात तक ना पड़े, इसकी बजाय जल्दी जल्दी सुबह जल्दी हो जाए और वो हमारे लिए अच्छी बात है। एक 8 घंटे की नींद वो हर विद्यार्थी के लिए सभी के लिए अनिवार्य है, तो रात का ये जो पैटर्न जो बना हुआ है वो नींद पूरी ही होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का वो नहीं रखना चाहिए, कोई उम्र का जिससे नहीं करना चाहिए। सर आप टीचर हैं, तो आप एक पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर होने के लिए इन चीज़ों से बात करेंगे? बिल्कुल, मैं सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और मैं हर बार ये कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियाँ उसके अंदर मनुष्य को ही सबसे युवान या हमारे हिसाब से प्रकृति के बदलाव करने का या प्रकृति रचने का उनको एक पावर मिला हुआ है, हमारे मस्तिष्क को इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि हम धरती पर रहते हैं, हमने चांद तक का हमने सफ़र को तय किया है, तो इतने यूनिक प्राणी होने के कारण हमको गर्व होना चाहिए, हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य निर्धारित अच्छे कामों करने के लिए है। छोटी मोटी समस्याएं, परीक्षा में असफलता, किसी के कुछ कहने से, सोशल मीडिया के वगैरह किसी के डर के कारण हम अपने जीवन को समाप्त कर लें या बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए शरीर के साथ साथ मन वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए माता पिता को, शिक्षक को, सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ पाणिकर जी, जिन्होंने बताया मेंटल हेल्थ के बारे में कि जो स्टूडेंट्स की सुसाइड केस जो बढ़ते जा रहे हैं कैसे कंट्रोल किया
किया जा सके, तो फाइन कर दिया, सेंड किया आपने को